are you doing a cameo in Ganesh Acharya's Hey Bro by any chance? I've done. मैंने एक सीन किया उसके साथ में. क्या गणेश के मेरे संबंध जो है वो थोड़े फिल्मों से बियॉन्ड है. ये जिस वक्त आया था शुरू में इसे बड़ी डांट पड़ा करती थी उस ज़माने में, और मैं इसको हमेशा उसे धर के लिए आया करता था. मैं कह रहा था ये बहुत कमाल है यार, इसमें मुझे समथिंग इसमें अच्छाई है, इसकी स्माइल जो है और इसका दिल जो है, और वो स्टेप्स कर रहा होता था. कमल मास्टर जी मुझे बड़ा प्रेम किया करते थे जी, बिल्कुल. तो वो मेरी बात को कभी ना नहीं कर, तो मैं कहते था कि सर इसे माफ़ कर दीजिए. अब इसे क्यों बोले यार ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा कर देता. तो सम हाउ मुझे लगता था ये आदमी निकलेगा. मुझे डांस का सबसे बड़ा और अच्छा हिस्सा वो लगता है जिस वक्त आप बिना बोले बात करते हैं. क्या बात. तो जो आर्टिस्ट बिना बोले बात किया करते थे, शमी कपूर जी किया करते थे, जैसे आदरणीय दिलीप साहब करते हैं, बिना बोले बात करते हैं, अच्छे लोग हैं. तो ये गणेश में ये है कि वो ले आता है कहीं से, मतलब निकालता है चीज़ें. ऐसा आपने दिलीप कुमार साहब की आपने बात करी, बहुत से लोगों का मानना ये है कि दैट ही इज़ वन ऑफ आपके गुरु हैं एक तरीके से. मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उनको कॉपी करते हैं, बिकॉज आपका एक यूनिक स्टाइल है जो कि गोविंदा का बहुत से और लोग कॉपी कर रहे हैं. वरुण धवन ने बहुत खूबसूरती से मैं तेरा हीरो में आपको मतलब इनैक्ट करने की कोशिश करी. लेकिन क्या कह सकते हैं कि दिलीप कुमार आपके आप अपना गुरु मानते हैं उनको? वो तो बियॉन्ड है सब ये सब चीज़ से. जिस आदमी ने एक उनके तौर तरीके थोड़े से वो उसके थोड़े करीब आ गए, वो सब सुपरस्टार हो गए. सही बात. चाहे वो राजेंद्र कुमार जी हों, बच्चन साहब ने भी जो जितने हैं, शाहरुख, हाँ शाहरुख हो, ऐसा पर्सनालिटी है जो आदमी आता है आते ही उसे लगता है कि वो बहुत बड़ा स्टार है. क्या बात. तो वो है, वो वर्क करती है. बिल्कुल. आपकी वो वर्क का आप उसे हिस्सा ज़बरदस्ती नहीं बनाते. यू डोंट नेचुरली होना चाहिए. हाँ, नेचुरली होता है. आप हैं तो आप हैं तो वो नज़र तो आएगा ही कि ये आप हैं. बिल्कुल बिल्कुल. आपके काफ़ी फैंस को एक शिकायत है. उनकी शिकायत यह है कि आप हॉलीडे में आपने कैमियो किया, तो वी डोंट वॉन्ट टू गोविंदा टू बी डूइंग अ कैमियो. देखिए जिस तरीके से मीटी एक रोल आपका दिल दिल में या फिर हैप्पी एंडिंग में नजर आ रहा है, वो तो डायरेक्टर पे डिपेंड करता है कि वो मुझसे क्या निकालता है. जी, मैं तो वही था. मैं हूँ. मुझे लगता है कि साउथ के जितने डायरेक्टर्स हैं वो जिस बेस को लेके वर्क करते हैं उस बेस में वो जो उनकी फिल्म का जो मेन हीरो होता है उसका बड़ा ख्याल करते हैं. और वो गलत नहीं है. इट्स ओके. जिस समय से साउथ को लोगों ने कॉपी करना शुरू किया है जी, बिल्कुल, तब से यहाँ के एक्टर्स स्टार लगने लगे हैं. बिल्कुल. वो साउथ का है वो कमाल. उसमें मेरा ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ ऐसा मुझे बहुत लोगों ने कहा, लेकिन मैंने उन्हें इस्तेमाल कर लिया क्योंकि मुझे हिट का हिस्सा होना था. तो लोग कहें कि भाई तुमने उसको इस्तेमाल कर लिया, वो तुम्हें इस्तेमाल नहीं कर पाए. तो वो नहीं कर पाए वो मेरी गलती नहीं है. सही बात. मैं तो कर पाया. सही बात. मैंने हिट दे दी साथ में मिलके. सही बात. और मैंने सोचा था कि ये होगी हिट और हुई. अगर जैसे हैप्पी एंडिंग की बात करें, जो आपके डायलॉग्स हैं, यू नो पीपल आर लिटरली दे आर लविंग इट. जैसे आपने कहा है कि मैं सिंगल स्क्रीन का सुपरस्टार हूं और मल्टीप्लेक्स को टेक ओवर करना चाहता हूं, और पब्लिक खुश होनी चाहिए, पब्लिक खुश होनी चाहिए यार, और दो चार पप्पियाँ भी डाल दो, किसेस भी डाल दो यूथ वालों को. फिर वो जैसे दूध वालों को बोलते हैं कि चाय नहीं पिक्चर बना रहा हूँ. यू नो इट इज़ फैंटास्टिक. एक प्रोमो से चंद सेकंड में भी एक फील मिल जाता है, एक वाइब्रेशन मिल जाता है कि यार ये इस तरीके का कैरेक्टर हमको देखने को मिलने वाला है. पीपल सिर्फ गोविंदा की वजह से बहुत हद तक आई थिंक पीपल विल कम इन टू द थिएटर्स फॉर दैट. आप इन्जॉय करते हैं इस तरीके के जब रिस्पॉन्सेज एन यू गेटिंग? ठीक है, राज जो है वो बहुत अच्छे हैं. दे आर बीन टू गुड. मुझे ऐसा शक था यार ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए. बट सैफ और दोनों जो डायरेक्टर दिखें दाज, ये लोग इतना ज़्यादा उससे संभाल रहे थे. वो करते करते उन्होंने उसे इम्प्रोवाइज़ कर लिया, इम्प्रोवाइज़ करके उन्होंने इम्प्रूव कर लिया और अच्छा लग रहा है वो. इट्स लुकिंग नाइस. मैंने जिस वक्त डब करते हुए फिल्म देखी तो मुझे टच किया कहीं, तो मुझे ऐसा लगा यार ये नयापन भी है कहीं. हाँ, नयापन है जी. दे आर वेरी गुड. Hi, this is Faridoon Shahryar. For the most interesting celebrity interviews, do subscribe to Bollywood Hangama. Keep on watching.